काशी में संत रविदास जी की जन्मस्थली से 16 फरवरी को उनका जयंती उत्सव मनाया गया। इसको लेकर के गीर गोवर्धन इलाके में देख सकते हैं कि आस्था के सैलाब उड़ा हुआ है और लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन जो है रोटियां बना रही हैं, उनके लिए खाने का पूरा अरेंजमेंट किया गया हुआ है, लंगर चलता है। उस लंगर में कोई भी श्रद्धालु कोई भी भक्त आकर के जो है आसानी से लंगर छक सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये महिलाएं जो है सुबह से बैठती हैं और रात तक जो है इनका कारवां इसी तरीके से चलते रहता है, उनके लगातार जो है भक्तों के लिए जो है अपनी सेवा देते रहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, पंजाब के आए युवा जो है जो अपने अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है लगातार यहाँ पे आटा गूंथते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बार इस मशीन में जो है करीब 30 किलो के करीब आटा जो है एक बार में बनता है। आप जानना चाहेंगे लगभग कितना आटा इसमें बनता है? 37 किस तरीके से पूरा कारवा रहता है, क्या बन गया रहता है सेवा को लेकर? इसके बारे में जो सेवा चल रहा है उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोविड काल जो गुजरा है वो देश के लिए बड़ी विपत्ति का काल रहा है, क्या मनाते हैं भगवान से प्रभु से कोविड का काल? बिल्कुल, पंजाब से आए युवाओं का भी यही कहना है कि जिस तरीके से ये 2 साल जो कोरोना पीरियड का गुजरा है वो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक चुनौती रहा है। तो भगवान से यही कामना है कि वो अपने उसको जो है मुक्ति दिलाए इस तरीके के महामारी से, पूरे विश्व में अमन और चैन की शांति हो। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं जो है बैठी हुई हैं, लगातार जो है अपने मन से श्रद्धा से भक्ति से जो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा कर रही हैं और उनके मन में भी यही कामना है कि पूरे विश्व में एक शांति का मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पे सम सद्भाव भाव को देखने को मिलता है। यहाँ पे चाय जो है करीब मुझे लगता है कि 10,000 लीटर से ऊपर की चाय की खपत जो है डेली यहाँ पर हो रही है। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पे रविदास जन्मस्थली पे आने वालों का तांता जो है लगातार सुबह से ही देखने को मिल रहा है और 16 फरवरी को उनकी धूमधाम से जयंती को मनाया जाएगा। मेरा नाम दौलत राम है, जहाँ मेरे को मैनेजर नियुक्त किया महाराज की तरफ से, तो हम परमानेंटली यह रहेंगे। मेरे साथ रणबीर जी हैं, 2 मैनेजर लगाए हैं मिले की के कारण। इस बार पहले तो हमारी एक स्पेशल ट्रेन आती थी महाराज जी की तरफ से, इस बार एक प्रशासन की तरफ से एक ट्रेन स्पेशल और आ रही है श्रद्धालुओं की, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे। इस बार पिछले साल की तरफ से तो ज़्यादा आ जाएगी, काफ़ी तादाद में संगत आने की संभावना है इस बार, क्योंकि इस बार पिछली बार कोरोना की वजह से लोग नहीं आ पाए, श्रद्धालु नहीं आ पाए, इस बार ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी जो श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे इस बार। कुछ खास लोग भी आने वाले हैं जैसे पिछली बार केजरीवाल जी आए? देखो जो ये जो इलेक्शन चल रहा है उसकी वजह से हो सकता अपना, हमें तो उनसे कोई ऐसी नहीं है रुचि, तो हो सकता अपने मुकाम के लिए आ जाएं, कोई सभी आ जाएं दर्शन संगत के दर्शन करने के लिए। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।